नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। महाराष्ट्र में महायुति तो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को जनता ने क्लियर मैंडेट दे दिया है। महाराष्ट्र में महायुति की ऐसी आंधी आई कि महाविकास अघाड़ी कहीं दूर दूर तक टिकी नहीं पाई और चारों खाने चित्त हो गए। तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन ने एनडीए को INDIA गठबंधन का दमखम दिखाया। महाराष्ट्र में महायुति ने 232 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। फिलहाल ये रुझानी आंकड़े हैं। महाराष्ट्र में महायुति ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि 145 से बहुत आगे है, 200 से भी आगे है। तो झारखंड की बात करें तो INDIA गठबंधन ने यह आंकड़ा क्रॉस किया है। लेकिन महाराष्ट्र में जनता ने 6 पार्टियों में से असली नकली की लड़ाई इस युद्ध पर कुछ हद तक विराम भी लगा दिया। मसलन जनता एकनाथ की शिवसेना को 55 सीटें दे चुकी है, तो उद्धव की शिवसेना को 21 सीटों पर समेट दिया, जो कि अब आंकड़ा करंटली 20 के करीब पहुंच गया है। और ये साफ हो गया कि जनता बाला साहेब ठाकरे की विरासत के तौर पर किसे देख रही है, उस आइडियोलॉजी के साथ किसे एक्सेप्ट कर रही है। तो वहीं चाचा भतीजे की लड़ाई में भतीजे ने बाजी मार ली है। चाचा को उनके ही घर बारामती में पटकनी दी। झारखंड में जनता ने साफ कर दिया कि किसको वो अपने सरकार के तौर पर देखना चाहती है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों का सटीक विश्लेषण, लेकिन देखिए उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों से साफ हो गया कि महायुति की सुनामी के आगे महाविकास अघाड़ी नस्तनाबूद हो गई। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी एनडीए गठबंधन का जादू सिर चढ़कर बोला। तो उधर यूपी से लेकर राजस्थान तक के उपचुनाव में बीजेपी की आंधी दिखी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। महायुति ने महाराष्ट्र की सत्ता में बैठने के लिए बहुमत के आंकड़े से ज्यादा, यानी कि 145 सीटों से ज्यादा, 200 का आंकड़े को पार कर लिया। बीजेपी जहां सशक्त हुई, वहीं शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार भी पावरफुल बनकर उभरे। एनसीपी का स्ट्राइक रेट 70% से ज्यादा रहा। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार पर विधानसभा चुनाव में भारी पड़े। अघाड़ी महाराष्ट्र चुनाव में पूरी तरह धूल पाकती नजर आई। महाविकास अघाड़ी की कोई पार्टी 28 का आंकड़ा नहीं छू पाई, जो नेता प्रतिपक्ष की सीट के लिए जरूरी है। उद्धव ठाकरे ने इस जनादेश पर हैरानी जताई। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति की हार की वजह से बीजेपी ने अपने स्टैंड में जो बदलाव किया, उसका असर इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। पूरे चुनाव में महायुति एकजुट नजर आई और सभी सहयोगी चुनावी एजेंडे को अपने जामा पहनाने में जुटे दिखे। चुनाव से पहले सीएम के चेहरे को लेकर तनातनी और बयानबाजी ने भी अघाड़ी की गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। वहीं महायुति की बंपर जीत पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं और चक्रव्यूह तोड़ना जानता। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है
ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्रातल्या जनतेनी विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय त्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचं महायुतीच्या वतीनं व्यक्तिशः वाजा वतीनं मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो। सगळेच कार्यकर्ते राबले, उमेदवार राबले, सगळे सहकारी घटक पक्षाचे, मित्र पक्षांचे सगळे आमचे सहकारी त्याच्यामध्ये स्वतःला झोकून दिलं। तो एक कहावत है कि आप मेरे गरीब खाने में आते तो इज्जत आपकी भी बढ़ती, कुछ मेरी भी बढ़ती। आपने यूं बेइज्जत किया कि कहीं का नहीं छोड़ा। फिलहाल चर्चा का रुख करते हैं, आप समझ रहे होंगे इशारा किसकी तरफ है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके का खेला हुआ, अपने पराए का भेद मिट गया है। चलिए पैनल से एक बार आपको रूबरू करा देती हूँ। महेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। महेश जी बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर चंदन कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चंदन कुमार जी बहुत स्वागत। अखिल चौधरी कांग्रेस से जुड़े हमारे साथ में। संजय द्विवेदी शिवसेना यूबीटी से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत संजय जी आपका। हाजी मुकलेश शेख जी एनसीपी अजीत पवार गुट से, बहुत बधाई भी और स्वागत भी आपका। दिनेश सिंह गेट राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत में बीजेपी के साथ करूंगी। महेश जी महाराष्ट्र की जीत के लिए अनंत कोटिशः शुभकामनाएं आपको, क्योंकि जिस तरीके का खेल हुआ है शायद राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं सोचा होगा। यहाँ पर चंदन जी बैठे हुए हैं, इसके अलावा दिनेश सिंह गेट जी बैठे हुए हैं,
इन्होंने भी शायद आकलन नहीं किया होगा कि आंकड़ा ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल पूजा जी, नंदन है, बंदन है, अभिनंदन है। महाराष्ट्र में इस ऐतिहासिक जीत को मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा जनादेश, ऐसा मैंडेट बहुत मुश्किल ही किसी पार्टी को मिलती है, और उसी पार्टी को मिलती है जो कहीं जनपेक्षा पे या जो जनता की जो सोच समझ या उस क्षेत्र की जो ज़रूरत है उसको कहीं उसकी आकांक्षा जो है वो कहीं अगर पार्टी अगर पूरी करती हुई दिखाई दे रही थी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी थी। और ये हमें तो उसी टाइम से लगने लगा था जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के जो जनसभाएं थी, उनकी रैली थी, उनके रोड शो थे, उसमें जो लोगों की हुजूम थी, जो प्यार था, जो ललक था। और दूसरी बात कि अभी हाल के चुनाव में ही लोकसभा के चुनाव में हमारे जो नतीजे थे वो हमारे प्रतिकूल थे, कहीं लोगों के अंदर मलाल था हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर कि काश माई जी, मेरे ख्याल से शायद आपसे अभी तक ये सवाल किसी ने ना पूछा हो, मैं पूछ दे रही हूँ, या पूछा भी हो तो इस सवाल का रिपीटेशन में जवाब दे दीजिएगा। प्रतिकूलता तो कुछ जनता की भी रही थी और प्रतिकूलता कुछ आरएसएस की भी रही थी, वो अनुकूलता में तब्दील हुई और आंकड़े बदल गए, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि प्रतिकूलता जो थी, जो एक माहौल था, जो एक वातावरण था लोकसभा चुनाव में हमारे उतने अनुकूल नहीं था, और उसका कहीं फायदा भी इस चुनाव में हमें निश्चित रूप से मिला है। हमारे लोग जो है ना, हमारी कोई निश्चित रूप से एक जीवन में किसी की भी फेलियर जो है उसको कहीं ना कहीं सबक सिखाती है, और वो सबक हमने सीखा अच्छे से। और इस लड़ाई को जो ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट था बीजेपी का, निश्चित रूप से उसमें हमारे कार्यकर्ता, नेता, हमारी नीति, हमारे जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, या वो गृह मंत्री हों, या आप देश के प्रधानमंत्री हों, या हमारे अध्यक्ष हों, या वहाँ के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, देवेंद्र फडणवीस जी हों, ये सारे लोगों की जो एक आपस में जो कम्युनिकेशन था, कनेक्शन था, तालमेल था, हमारे जो एलाइज थे उनके साथ, वो इतना बेहतरीन था। और जो सबसे इसके इसमें जो है, इसमें जो अहम भूमिका निभाया वो ये था कि वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है गौण करके, जिस तरह से औरंगजेब को जो है महिमा मंडित करने का वहाँ काम किया गया, जिस प्रकार से वहाँ मुसलमानों को लेकर एक तुष्टिकरण की नीति और नियत सामने कहीं दिखाई दी हमारे प्रतिद्वंदी को, जो एक हिंदुत्व का डंका बजाता था शिवसेना UBT, जो कहता था, लेकिन वो कहीं अगर औरंगजेब का समर्थन और सम्मान में खड़ा था, वो लोगों को कहीं ना कहीं चुभन दे पाई। वो चुभन जो है आज के डेट में हमारे लिए जो है कहीं वरदान साबित हुआ, और हमने उस सम्मान की लड़ाई लड़ी। हमने ओपन, हमें लोग कहे कि भाई कटेंगे और बटेंगे की नारे देकर आप चुनाव जीते हैं, हम कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह की बात रखेंगे तो हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भाई जो लोग इस देश में विध्वंसक चीज़ों को लेकर या देश विरोधी सोच के साथ आगे अगर बढ़ रहे हैं, उनको रोकने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, उनको रोकने का और कोई तरीका नहीं है। और सामंजस्य का जिक्र आपने यहाँ पर महेश जी किया है, तो मैं अपेक्षा ये भी करूंगी कि चुनाव के बाद जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे देवेंद्र फडणवीस की माँ हो, अजीत पवार के परिवार वाले हो, पोस्टरबाजी तो शुरू हो गई है, वो सामंजस्य आगे भी बना रहे। चलिए प्रोफेसर चंदन कुमार जी, मैं आपके पास आऊँ, उससे पहले कांग्रेस के पास जाऊंगी। अखिल चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अखिल जी, कांग्रेस वो जादू दिखा नहीं पाए, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र महेश जी कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण तो राहुल गांधी भी करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन क्या जनता उस छवि को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? क्या क्या रीजन रहा कि इस तरीके के आंकड़े सामने आए? देखिए, रीजन तो क्या रहे उसके ऊपर तो हमारी गहनता से विचार विमर्श हो रहा है और फीडबैक्स लिए जा रहे हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन आप ये देखिए, हम लोग तो कोई छत्रपति शिवाजी महाराज के अगेंस्ट के लोग बाग नहीं है। हम लोग तो जो लोग हमारे साथ में भी थे, जो इंडिया अलायंस के अलाइज थे, जैसे कि शिवसेना, वो तो माने जाते हैं कि जो सबसे बड़े समर्थक और सबसे बड़े भक्त जो शिवाजी महाराज के रहे हों। दूसरी बात, जो हमारे मुद्दे थे माने जाते हैं, को माने जाते थे अगर बोले सर, क्योंकि जनता ने जिस तरीके का मैंडेट दिया है उसके बाद तो हम यही कह पा रहे हैं कि माने जाते थे। बाला साहेब ठाकरे की वो थाती वो विरासत, शायद उद्धव ठाकरे उतनी ज्यादा प्रबलता, साहस और सामर्थ्य के साथ आगे नहीं ले जा पा रहे, मुझे अभी हम लोग अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज करेक्ट भी कर दीजिएगा। I am talking in hindsight, तो आप ऐसा मत देखिए कि एक एक शब्द मत एक दो मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद में आपके अगर कोई सवाल हो।
हमारे जो मुद्दे थे, चाहे झारखंड के बारे में बात कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र के बारे में, हमारे जो मुद्दे थे, हमने देश हित में मुद्दे रखे, हमने समाज हित में मुद्दे रखे, हमने ऐसे मुद्दे रखे जिससे समाज बटेगा नहीं। जहां तक बटेगा कटेगा इस तरह के मुद्दों की बात थी, क्योंकि हमने एक जो हमारा मुख्य हमारा मैनिफेस्टो में भी ये वादा है कि हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर ये लोग जातिगत जनगणना को बांटने के बारे में बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि जातिगत जनगणना से लोग बटेंगे, तो ये तो इनके चरित्र को और ये इनकी सोच को दिखाता है। हमारा ये मानना है कि जातिगत जनगणना भी अहम चीज है। हमारा ये भी मानना है कि महाराष्ट्र के तमाम तरह के मुद्दे, चाहे वो विदर्भ के मराठावाड़ा के किसानों के, चाहे वो धारावी के मुंबई शहर के अंदर के मुद्दे हों, तमाम मुद्दे हैं वो हम लोग चाहते हैं कि वो ढंग से उसके ऊपर बातचीत होती। हमारा शायद कम्युनिकेशन में कमी रह गई, हमारे अंदर कोई कमी रह गई, कोई एक्सटर्नली कोई कमी रह गई, वो अलग मुद्दे हैं, उसके ऊपर फीडबैक लेकर समीक्षा करी जाएगी। लेकिन जो हमने मुद्दों पे लड़ा, चुनाव लड़ा, संविधान की रिस्पेक्ट करते हुए लड़ा, और हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो वो लोकतंत्र के सहारे शासन में आती है, डेमोक्रेसी के सारे संविधान की सहायता से आती है। लेकिन ये न डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, न कोई संविधान के मूल्य हैं उनके ऊपर इनकी कोई खास रिस्पेक्ट है, वो सब चीजें हैं। हाँ, इनके पक्ष में चुनाव जरूर आया, नतीजा जरूर आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जो कारगुजारियां हैं, जो गलत काम है, वो सबके सब हम लोग एक दिन में ही ठीक मान लेंगे उनको। आगे और चुनाव भी आएंगे, एक चुनाव और सही, लेकिन हम लोगों का ये फैसला है कि हम लोगों का ये मानना है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी संविधान के पक्ष में, हमारे देश के दलितों के, आदिवासियों के, महिलाओं के, किसानों के पक्ष में हमेशा खड़ी रही, और हम लोग अपने और ज्यादा फुर्ती से और ज्यादा एनर्जी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और ज्यादा एनर्जी से आगे बढ़ेगी कांग्रेस। और इसी के साथ अखिल जी, आपको बधाई इस बात की भी है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, और वायनाड में बहुत अच्छी जीत उन्होंने दर्ज करी है। संजय द्विवेदी जी, मैं आपके पास आऊंगी। संजय जी, जिक्र शिवसेना यूबीटी का हो रहा है, उद्धव ठाकरे का वो जादू नहीं चल पाया, बाला साहेब ठाकरे की विरासत, सामर्थ्य, साहस, शौर्य शायद उस कैलिबर के साथ में उद्धव ठाकरे डिलीवर नहीं कर पाए। पूजा जी, आप जो अभी बात कर रहे थे मुस्लिम तुष्टिकरण करने लगे उद्धव ठाकरे जी, क्या आपको बाला साहब के बारे में पूरा ज्ञान है? क्या बाला साहब के बारे में पूरा जानती है आप? क्या अगर आप जानती होती तो शायद इस तरह की कमेंट नहीं करती एक नेशनल चैनल पे। बाला साहब ठाकरे ने साबिर शेख को मंत्री बनाया था, और मेरे पास उनकी फुटेज भी है यूट्यूब पे, वो कहते थे मैं जाति पात पे भेदभाव नहीं करता हूँ, और साबिर शेख को मंच बैठा के उनका सम्मान करते थे। तो कहते साहब मेरे से देखो मुस्लिम भी है, और आपको मालूम होना चाहिए, आप सर्वे करा लीजिए कि शिवसेना। लेकिन संजय जी, बाला साहेब ठाकरे के बारे में आपने मेरे ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह तो लगा दिया सर, बहुत आसान है सामने वाले को आईना दिखा देना। लेकिन मैं जितना जानती हूँ बाला साहेब ठाकरे को, वो राम का नादर कभी नहीं करते थे जो उद्धव ठाकरे ने किया। आप बाला साहेब नहीं, मैं दसियों बार बाला साहेब बोलिए सर, उनके सिद्धांत, उनके आदर, उनके वो मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। ऐसी बात आप करती है, वो क्या कहते थे क्या नहीं कहते थे मुझे सब पता है, और किस तरह कहते थे। देखिए, एक मुखौटा लगा के आप चोरी कर ले संगठन, और चुनाव के माध्यम से आप चुनाव के माध्यम से सूचना संगठन ले लें, इस चुनाव में कहां लिखा हुआ बता दीजिए मुझे आप। अगर ऐसा ही होना होगा तो पहले हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद हम तब पार्टी बनाएंगे। हमें कैजुअल पार्टी बनाने की पहली बात ये हो गई। आप जो बात कह रहे हैं हार जीत ऐतिहासिक जीत हमने दर्ज की लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक दर्ज की, लेकिन चलो हम यहाँ पे अपने इनके नैरेटिव को माइनस नहीं कर पाए। पहला नैरेटिव मैं बता दूं आपको, पहला नैरेटिव था सुरप्रिया सूले के ऊपर जो इन्होंने इल्जाम लगाया, और दिन भर वो इल्जाम चलता रहा। शाम को क्या हुआ, आप ही की मीडिया कर्मी और आप ही की मीडिया के लोगों ने, जहाँ वोटिंग खत्म हुई, कह दिया साहब जो आवाज है वो उनसे सुप्रिया सूले से नहीं मिल रही है। तो क्या नैरेटिव नहीं हुआ ये? दिन भर आप दिखा रहे हैं मीडिया में, क्या जरूरत है दिखाने की आपको? अगर जब तक उसमें, जब तक वो उसकी जांच सर, हो जाए, सर हमने तो विनोद तांबे का कैश कांड भी दिखाया सर, सर हमने तो विनोद तांबे का कैश कांड भी दिखाया सर, और फिर उसके बाद मानहानि का नोटिस भी मिला, मानहानि का नोटिस भी मिला। अब फिर बोलने लगी, मैं पूरी बात सुन लीजिए ना, मैं आप ऊपर आरोप थोड़ा लगा रहा हूँ, मैंने जनरल बात कही है, मैं आप ऊपर क्यों आरोप लगाऊंगा? मैं डिबेट कर रहा हूँ तो मैं जनरल बात करूंगा ना, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा,
यार लेने लगू मैं चल पाऊंगा, वो नहीं अच्छा लगता ना। आपने नोट कांड की बात की, नोट कांड आप देखिए, साफ साफ 19 लाख पकड़े जा रहे हैं उसमें होटल में, और एक होटल में 2 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, उसमें शिवसेना सिंधे गुट के लोग शामिल, संजय रूपम मैं नाम दे रहा हूँ, उनकी गाड़ी से रुपए निकल रहे हैं। चुनाव ने क्या किया, चुनाव ने धीरे से किनारे कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप झारखंड में चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी का चुनाव हुआ, पायडाट में चुनाव हुआ, आप वोट, आप जो मशीनें हैं वोटिंग मशीनों को चेक करा लीजिए, कितनी मशीनों को वहां 99% बड़ा हो, 99% जो है, मैं आज मैं आपसे डिबेट कर रहा हूँ, ये मोबाइल में लगाया हूँ, मोबाइल को मैं इसकी बैटरी 60% बची, मैंने इस मोबाइल को रख दिया घर में और 3 दिन बाद मैंने खोला तो क्या 95% हो जाएगी, नहीं हो पाएगी ना। अगर हम बात कर रहे हैं कोई बात तो उसको समझना चाहिए ना, जानना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि हम हार गए, ठीक है, हार गए, ठीक है, ठीक है, संजय जी आपकी इस बात का जवाब महेश जी देंगे, महेश जी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं सभी को चाहती हूँ कि वो उनको अवसर मिल जाए। सर ब्रेक पे जाने का समय हो रहा है, उससे पहले सभी को अवसर मिल जाए। सर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपकी बात मुझे काटनी पड़ रही है, या यूं समझिए कि आपकी बात के साथ में बात जोड़ते हुए आगे बढ़ रही हूँ मैं। दिनेश सिंह गेट जी मैं आपके पास आऊंगी। सर जिस तरीके का उलटफेर देखने को मिला झारखंड में, ये इतिहास नहीं रहा है कि झारखंड के अंदर चुनाव के बाद जब चुनाव हो, अगला चुनाव में सरकार रिपीट हो जाए, लेकिन हेमंत सोरेन रिपीट होते हैं। हेमंत सोरेन के रिपीट होने के पीछे का रीजन एग्जैक्टली क्या रहा होगा, आप प्लीज मुझे इलैबोरेट करके बताइएगा। जी आप सभी को प्रणाम पूजा जी। देखिए दोनों गठबंधनों को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में अभी तक का बहुत, मतलब इससे पहले इस तरह का, मतलब है कि जो आश्चर्यजनक जो परिणाम है वो कभी नहीं आया, ये स्ट्राइक रेट इतना भारी भरकम तरीके से, जिस तरीके से भाजपा ने और बाकी जैसे कि मतलब सहयोगी दलों ने लड़ा, तो उस तरीके मान के चले सभी का बेहतरीन स्ट्राइक रेट, और उसके साथ साथ में जैसे जितने जैसे अच्छे मार्जिन का जीत गए तो उसके लिए बधाई उनको भी देता हूँ। साथ साथ देखिए शनिवार जो है सभी के लिए शुभदायक रहा, सभी के लिए मंगलमय रहा, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने एक स्टेट को जीता और दूसरे को जो है मायावती ने जीता, तो उस तरह की मान के चलें कि दोनों ही मतलब दल, मतलब गठबंधन दल जो है तो उसमें से कोई ये नहीं कहता भाई ठीक है ना ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि अगर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने का काम इंडिया गठबंधन अगर करता है तो उसे मान के चलें कि कहीं ना कहीं प्रश्न अपने आप पे लगाने का काम होगा। दूसरा जैसे कि जैसे आपने झारखंड की बातचीत की पूजा थी, तो उसमें देखिए स्पष्ट तरीके से मैं आपको मतलब कि सिर्फ बहुत संक्षेप में बताता हूँ चीजें कि जिस तरीके से जो जब जेल गए मतलब भ्रष्टाचार को लेकर के, और जैसे हेमंत सोरेन जी जेल गए तो उसके बाद में क्या था, आरोप नहीं था कि वो तो सब देखिए धुआं हो गया, सुबह से धुआं का मतलब ये हो गया कि चीजें जैसे कि जो मतलब आदिवासी बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, सिविलाइजेशन से मॉडर्नाइजेशन को कोई लेन देना कुछ नहीं है, उनके लिए गुरुजी जो है वो सर्वोपरि हैं। जैसे 26% जैसे आदिवासी जो हैं तो उनके लिए आज भी गुरुजी और तीर धनुष जो है वो पत्थर की लकीर है उनके लिए। मतलब एक तरह से जैसे कि हेमंत सोरेन जो है वो गुरुजी के बेटे हैं और उनके पास में उनकी आंखों में अगर एक आंसू कराएगा तो उसके लिए खून बहाने को तैयार हो जाएंगे, चाहे वो उन्होंने गलत किया हो ठीक किया हो। एक और रीजन है दिनेश जी, एक और रीजन है जो शायद थोड़ा सा आप मिस कर रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो उस पर भी चर्चा करूंगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुकेश माफ कीजिएगा महेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है एक बार फिर से। प्रोफेसर चंदन कुमार जी हमारे साथ में हैं, प्रोफेसर चंदन जी बहुत स्वागत है आपका। अखिल चौधरी जी कांग्रेस से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। हाजी मुकेश शेख जी जुड़े हैं एनसीपी अजीत पवार गुट से, बहुत स्वागत है आपका। दिनेश सिंह गेट जी, संजय द्विवेदी जी शिवसेना यूबीटी से जुड़े हैं, सभी का बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर चंदन जी मैं आपके पास आऊंगी। सवाल मेरा ब्रेक पर जाने से पहले दिनेश सिंह जी के साथ में था, लेकिन उस सवाल को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए आपके पास आऊंगी। वो सवाल ये है, देखिए बीजेपी के झारखंड के अंदर जितने बड़े लीडर्स थे वो मैदान में डट नहीं पाए शायद, जैसे कि मैं बात करूं बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, इसके अलावा और भी रघुवर दास हो गए, कई कई ऐसे नाम हैं जो कि ग्राउंड पर उस लेवल पर एक्टिव नजर नहीं आए जिस लेवल पर होना चाहिए था, क्या ये बड़ा रीजन हो सकता है क्या? देखिए जो झारखंड का भी जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं नेतृत्व और नीतियों के ऊपर आधारित है और उसी का एक सफल परिणाम नजर आ रहा है जी। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जेल गए और उसके बाद कोर्ट से उनको ये कहा गया कि अभी प्रथम दृष्टया ये प्रतीत नहीं होता है कि दोषी पाए जाएंगे,
एक भावनात्मक जुड़ाव जो उनका है आदिवासी समुदाय के साथ, और एक इंडिजिनियस फीलिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक इंडिजिनियस जो हम लोगों के बीच का है, हमारा है, हमारे जैसा सोचता है, जंगल जमीन और जल के बारे में सोचता है, इस तरीके से जो मुद्दे थे कहीं ना कहीं जो आदिवासी समुदाय था वो हेमंत सोरेन के ऊपर अपना विश्वास जताया और उनको अपना मत दिया। दूसरी तरफ जो एक मुद्दा है जैसे वन अधिकार हुआ वनवासियों के संदर्भ में, उनकी भूमि का अधिकार हुआ, ये सारे जो अधिकार थे कहीं ना कहीं जेएम और जो इंडिया अलायंस है उसको संरक्षित कर रही थी। दूसरी तीसरी बात ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं को पहले महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने की मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपये जो दिए जा रहे थे उसको चुनाव से तुरंत पहले थोड़े दिन पहले उसे 2,000 कर दिया गया, नहीं 2,500 का वादा किया कि दिसंबर से 2,500 कर अकाउंट में ट्रांसफर हो। हाँ, तो अभी मैं जो आंकड़ा देख रहा था चुनाव आयोग का, उसमें ऐसा जो वोटिंग प्रतिशत है महिलाओं का 5% वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है, बड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर जो इंडिया गठबंधन है उसको वोट दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि विकास के नाम पर वहां पे और उन्होंने अपने अपनों के बीच में जो उन्होंने अपना एक नेता चुना है इसके वजह से उनको लाभ मिला है। बीजेपी का सबसे बड़ा वहां हारने का कारण ये रहा कि वहां उन्होंने एक स्थानीय नेतृत्व को उस तरीके से नहीं दे पाए, हाँ बैलेंस नहीं कर पाए। और दूसरा चीज है कि उन्होंने जिस प्रकार से उम्मीदवारों की घोषणा करने में विलंब किए, लेट किए, उससे भी उनको नुकसान हुआ है। एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत का रुख करेंगे। हाजी मुकेश शेख हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से। हाजी मुकेश जी, बहुत स्वागत भी है और बधाई भी है आपको। लोकसभा चुनावों के अंदर 3.60 एनसीपी अजीत पवार गुट का प्रदर्शन और वो विधानसभा चुनाव आते आते अगर 11% हो जाए तो बधाई के पात्र तो आप हैं सर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए। हेलो जी, बिल्कुल आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, बोलिए सर। पूजा जी, मैं आज तो हम सब जनता ने जो है बहुत ही अच्छा मैंडेट और सबको दिया है। अक्सर लोग सर आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, आवाज आपकी हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। टीम से कहूंगी कि एक बार फिर से आपके साथ में कनेक्ट करें, तब तक मैं महेश वर्मा जी के पास जाऊंगी। महेश जी, शरद पवार कह देते हैं कि इसके बाद शायद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा आखिरी चुनाव है, क्या बीजेपी को इस स्टेटमेंट का फायदा हुआ है? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा नहीं है कि शरद पवार जी का ये स्टेटमेंट जो है, और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ सर, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर जब विपक्षियों ने ये अफवाह उड़ा दी, जिसको आपने अफवाह करार दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आखिरी चुनाव है और शायद वो प्रधानमंत्री भी ना रहे, जिसका डेंट पड़ा था बीजेपी को। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बात नहीं कही थी या किसी और ने भी ऐसी बात नहीं की थी, महज अफवाह था। शरद पवार जी का तो खुद से अपना वो इसलिए स्वीकार किए इस बात को कि जो उनका स्वास्थ्य है, जो जिस प्रकार से उनका स्वास्थ्य है, जिस प्रकार से उनका एज है, अब उनमें वो क्षमता नहीं रही। दूसरा कि परिवार में अजीत पवार जी थे जो उनके एक राजनीतिक छत्रप थे, जो हर तरह से संगठन की कामों को संभालते आ रहे थे, अब उनके साथ जो है अजीत पवार जी का साथ नहीं था। तो स्वाभाविक है कि जो कार्यकर्ता थे, जो संगठन था, वो सारा का सारा अजीत पवार जी के साथ था। उनको दिख रहा था कि हम महाराष्ट्र के चुनाव में जो है अब उस तरह से हम प्रभावी नहीं हैं जो एक टाइम हम अजीत पवार जी के साथ होने के साथ थे। तो ये तो अस्पष्ट हो गया था। आज दोनों के अगर प्रतिशत, वोट प्रतिशत को आप आकलन करें तो दोनों में अंतर देखिए कि आप लोकसभा चुनाव में जो है शरद पवार जी के पास क्या था और इनके पास क्या था। आज दोनों इक्वल डिजिट के ऊपर जो है दोनों का वोट
परसेंटेज है। इससे स्पष्ट है कि शरद पवार जी की अब प्रासंगिकता जो है महाराष्ट्र चुनाव में खत्म हो गई। और देखिए वो जोड़ तोड़ के माहिर माने जाते हैं, जोड़ तोड़ में वैसा राजनेता जो है इस देश में बहुत कम निकले जो कभी भी किसी को भी डिच करके और अपना काम अपनी राजनीति विशाखात उनके शिष्य भी आपके साथ आ गए। मेरे शिष्य नहीं, उनके शिष्य के साथ और उनकी चीज़ों को उन्होंने बड़ी एक और मतलब एक और भी चीज़ जो है ना वो भी एक तरह से अजीत पवार जी का जो अस्पष्टता और साफगोई जो है वो भी कहीं ना कहीं जनता को अपील की। उन्होंने कहा कि भाई हम जब सरकार में गए थे साफगोई ने कितना अपील किया है। हाजी मुकेश जी से मैं पूछ लेती हूँ। हाजी मुकेश जी आपकी आवाज अगर स्पष्ट आ रही है तो एक बार मुझे संकेत दीजिए सर। जी मेरी आवाज आप तक बहुत स्पष्ट आ रही है सर, अपने सवाल का जवाब पूरा कीजिए क्योंकि शरद पवार ने जिस तरीके से डिक्लेयर किया कि ये चुनाव मेरे जीवन का आखिरी चुनाव होगा, क्या लगता है भतीजे को चचा के इस दाव का फायदा हुआ? जी बिल्कुल फायदा हुआ, लाडली बहन का फायदा हुआ और जो अभी किसान योजना में सब सारे तो अजीत पवार सब काम कर रहे थे हमारे नेता, वो लोगों ने पसंद किया। कल तक तो हम शरद पवार साहब के पार्टी से जब पिछले थे तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, जनता इनके साथ नहीं है कि भागकर सरकार में गया, लेकिन आज खुश हो गया जनता ने प्रूफ कर दिया अजीत पवार के साथ है। तो अगला सीएम कौन होगा सर? और असली असली एनसीपी हमें हमारी पार्टी अजीत पवार साहब की पार्टी असली एनसीपी है, तो ये अभी इनका जो है बोलने के लिए कोई जगह नहीं बचा है। रही बात सरकार बनाने की बात करें तो महाविकास आघाड़ी कल से परसों से सीएम किसको बनना है किसे बनाना है आपस में तालमेल का डेट नहीं था, आज तो इतने नीचे चला गया, जनता ने इनको इतने नीचे कर दिया है, महाराष्ट्र के अंदर दबा दिया है कि विपक्ष का लीडर के लिए भी 54 या 55 सीट चाहिए वो भी इनके पास नहीं है। ये बहुत बड़ी जीत हुई है, मैं बहुत आभारी हूँ जनता का, हमारी पार्टी के तरफ से सभी लोगों का बीजेपी लीड कर रही है तो फडणवीस जी बनेंगे या फिर अजीत पवार जी, उनके नाम के तो पोस्टर भी लग गए थे, या शिंदे जी? पूजा जी सीएम ट्राई किया जाएगा बैठकर, हाँ आज रात में सब कुछ तो पता करवाया कि अजीत जी के नाम का पोस्टर किसने लगवाया था, हमें तो पता है आपको पता है। पावर पे ही बनाना चाहते हैं, हमारी पार्टी अजीत दादा पावर के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात हमारे पास अजीत दादा पावर के सिवा दूसरा कोई सीएम नहीं हमारी पार्टी के हिसाब से। ठीक है, उनकी पार्टी के हिसाब से उनके सीएम अजीत पवार। महेश जी सीएम अजीत दादा पावर ही रहेगा, महेश जी उनके सीएम अजीत पवार, आपके सीएम कौन? देवेंद्र फडणवीस अपना अपना सीएम लेके घूमते रहिए। नहीं नहीं ये सब बातें जो है इन सब बातों का जो है कहीं फैसला जो है वो टीवी चैनलों पे या हम प्रवक्ताओं के जरिए नहीं होता है। हाँ। ये उससे ये भी वाकिफ है, एक विधायक दल की मीटिंग होती है उसमें औपचारिक तौर पे एक नेता को चुना जाता है और जो हमारे गठबंधन है। हाँ। जो महायुति गठबंधन है हमारे उसके नेता आपस में मिलेंगे और देखिए स्वाभाविक है कि जिसके पास संख्या बल है उसको मतलब कोई भी उसको महत्व तो मिलेगा ही। हाँ। और वो इतना तो महत्व मिलेगा कि भाई वो अपना मुख्यमंत्री ये करे और माननीय गृह मंत्री जी ने तो स्पष्ट रूप से जनसभाओं में भी ये कहा कि भाई हमने तो एकनाथ शिंदे जी के लिए त्याग किया ही है। हाँ। अगर वो त्याग करेंगे तो बीजेपी के लिए आज महायुति कह रही है इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये अदा तूने सीखी कहां से? फिलहाल कांग्रेस से अखिल चौधरी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अखिल जी वायनाड के लिए शुभकामनाएं तो हैं लेकिन बहुत सारे सेक्रीफाइस के बाद भी कांग्रेस जो है उस तरीके से बूस्टअप नहीं हो पा रही है सर, और विधानसभा चुनाव में तो खासकर नहीं नजर आया। सर आपका फ्रेम जी बिल्कुल बोले सर, आ रही आवाज आ रही है, बोले सर। हाँ जी मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल स्पष्ट सर, बोले। वायनाड में हमारी नेता प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ी है और जीती है और बहुत ही इनका बहुत ही अच्छे मार्जिन से एमपी बनी। सर इसके अलावा यूपी का जिक्र सर मैं करूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश उपचुनावों का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर सारी की सारी सीटें आपने समाजवादी पार्टी को दे दी, साइकिल को हाथ का साथ दे दिया, सब कुछ थाल में सजा कर दे दिया। वही मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसिंग मोड में हर जगह पर है कांग्रेस, उसके बावजूद भी बूस्टअप क्यों नहीं हो रहा है मामला?
कि सैक्रिफाइसेस नहीं, ये जो हमारी बातचीत हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का पार्ट है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का पार्ट है, और हमारी जब बैठकें होती हैं तो उसके अंदर ऐसे लालच नहीं दिखाया जाता, और जो जो अच्छी स्थिति लगती है वो करा जाता है। लेकिन आप ये भी देखिए, क्योंकि आपने मेरे से ऑब्वियसली कांग्रेस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रिपीट होने वाले हैं कि नहीं, एक ₹100 का सवाल तो ये भी बनता है कि ये रिपीट होंगे नहीं। उसका जवाब तो महेश जी ने दे दिया, उसका जवाब तो महेश जी ने दे दिया, और उस पर बहुत सुंदर गाने की लाइन भी मैंने बोल दी थी, आप मिस कर गए सर। महाराष्ट्र की जनता के साथ में धोखा करा था, महाराष्ट्र की जनता के साथ में धोखा कर इन्होंने जब पार्टियां तोड़ी थी, और शरद पवार जी के बारे में, श्रीमान पिछली बार शिवसेना और भाजपा साथ लड़ी थी, और जनादेश जो है, एक छोटी सी बात सुन लीजिए, जनादेश पिछली बार का शिवसेना और भाजपा का था, और उसमें आपने शिवसेना को शरद पवार जी ने तोड़ के सरकार बना ली, तब आपको जो है ये नहीं दिखाई दिया कि किसने किसको तोड़ा, तोड़ने की शुरुआत किसने करी। तो साहब ये अपने आप में पहले आत्मनिरीक्षण करिए, अपने आप को अपने गिरेबान में झांकिए कि आपने क्या किया। मैं वही बता रहा हूँ, आपने एक पार्टी तोड़ी, और आपने जिस पार्टी को तोड़ा, उस आपके नेता ने, आपके अलाई ने शरद पवार जो आपको सपोर्ट नहीं करते उसकी फोटो अपने पोस्टर्स में लगा कर दी, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप शरद पवार जी की फोटो अपने पोस्टर्स में न लगाइए। आपने बाला साहब के साथ में भी करा, बाला साहब के बेटे आपके खिलाफ में, और आप बाला साहब की फोटो लगाकर घूम रहे थे। हमारा ये कहना है धारावी का, हमने मुद्दा प्रमुख जिसके दिल पार्टी जिसके दिल पर जख्म है, एक बार उसका भी हाल जान लेते हैं, कांग्रेस एक बार उसका भी हाल जान लेते हैं। संजय द्विवेदी जी बातचीत में थोड़ा सा व्यस्त हो गया, उनको लगा नंबर ही नहीं आएगा, आ रहा है सर, आ रहा है नंबर, आ गया आपका, आ गया नंबर। सर मैं कह रही हूँ, दिल पे जख्म बहुत है, बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर, पोस्टर किसी और का, सरकार किसी और की, आइडियोलॉजी आपकी, चोरी हो गया पूरा मामला। देखिए भाई, माफिया लोग तो चोरी कर ही लेते हैं, क्या किया जाए, जिनकी जिनकी जिनके पास सब कुछ है वो कुछ भी करें, क्या कर सकता, जनता भी माफिया है, जो आज आपको नहीं, जनता माफिया बाहर का रास्ता दिखा दी, नहीं जनता माफिया नहीं करता, हमें बोल लेते भाई, आप माफिया वर्ड आप गलत यूज कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मतलब आपके चेहरे से, आपके व्यक्तित्व से ये नहीं झलक रहा है कि आप इस तरह के अपशब्द यूज करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप सुन तो लीजिए मेरी बात, माफिया मैंने क्यों यूज किया, चुनाव आयोग क्या संगठन, किसी का संगठन दे देगा, आप पढ़ लीजिए ना, चुनाव आयोग संविधान, मैं तो पढ़ा हुआ हूँ, चुनाव आयोग को संविधान पढ़ लीजिए, उसमें चुनाव आयोग में सर सर, लेकिन एक एक विषय है मेरा सर, संजय जी महाभारत के समय में एक संजय थे जो कि दूर से बैठकर दूर दृष्टि दे दिया करते थे, आप हैं कि कह रहे हैं बाला साहेब के बारे में पढ़ के आओ, आप हैं कि कह रहे हैं संविधान पढ़ के आओ, सर पढ़ पढ़ के घर में बैठिएगा कि इंप्लीमेंट भी कीजिएगा ग्राउंड पे। मेरी बात, मैंने जो बात कहना चाह रहा हूँ पूजा जी, वो तो पूजा जी, संजय जी के लिए छोटी सी शायर है मेरे पास, मैं 10 सेकंड में आती है मेरे जिंदगी के साथ, कुछ कर ले करते खुशी के साथ, क्या उन्होंने दिया है उसको दवा, आप 10 सेकंड अब आप भी लगा देने वाले इनके साथ विधायक के, पहले हमें बोल लेने दीजिए ना, पूजा बोलिए बोलिए, संजय जी बोलिए, हम पूरा हमारा हुआ नहीं दीजिए ना, बिल्कुल पूरा करेंगे सर आपका, बोलिए सर, पूरा अवसर पूरा, इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी, अपना चुनाव चिन्ह लिया, अपनी पार्टी बनाई, चुनाव मैदान में गई, इसके शरद पवार जी ने तोड़ी पार्टी, कांग्रेस अलग हुए, अपना चुनाव चिन्ह लिया, अपनी पार्टी बनाई, अलग वो राजनीति कर रहे हैं, इसके बाद आप आइए ममता बनर्जी, अपना दल में अलग अलग पार्टियां हैं, दो माँ बेटी की, अब आइए रामविलास पासवान में, चाचा भतीजे अलग अलग पार्टी है, तो महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि एनसीपी में उनको अजित पवार को दे दी गई, और जब तो शिवसेना दे दी गई आपको, अरे सुप्रीम कोर्ट से पूछो ना, चुनाव आयोग से पूछो आप, और आज जनता ने तो आप आज जनता ने आईना दिखा दिया ना आपको, आपको जनता ने जनादेश ने मैंडेट ने, नहीं जो आज का नतीजा है वो क्या कहता है, लोकतंत्र में जनतंत्र है, लोकतंत्र से क्या चलता है, अरे आज आपको रास्ता दिखा दिया ना, उनका नंबर थोड़ा कम आया है, आज संविधान का आप पूरा राम कथा और इतिहास और भूगोल समझा रहे हो,
इससे इन नतीजों का नहीं नहीं इस नतीजे को कहीं आप जस्टिफाई कर पाओगे या अपने शर्मनाक हार को बता पाओगे कि कारण ये थे या कुछ और था? नहीं, लोकसभा चुनाव जिताया था ना इसी तरह। अरे भाई, आप आपके यूबीटी के शर्मनाक हार का कारण ये हो है क्या? महाविकास अघाड़ी जो है क्या नहीं जीती क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ संजय जी कि आपके शर्मनाक हार का कारण यही है क्या जो आप बता रहे हो कि इंदिरा गांधी ने पार्टीशन कर दिया, इंदिरा गांधी के पार्टीशन के बाद ये हो गया वो हो गया, ये आपके हार का कारण है? साहब आप क्या बोल रहे हो? आप कम से कम ये बोलो, आप जनादेश का सम्मान करो। थोड़ा सा घंटा करेंगे दिनेश जी के पास जाएंगे, दिनेश जी के पास जाएंगे। दिनेश जी आप संजय जी थोड़ा सा धैर्य, आपके लिए सवाल है मेरे पास लेकिन पूछूंगी नहीं क्योंकि आग में पेट्रोल नहीं डालना चाहिए। मेरे पास एक सवाल है संजय जी आपके लिए लेकिन पूछूंगी नहीं सर क्योंकि आग में पेट्रोल नहीं डालना चाहिए। दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगी। दिनेश जी यहाँ पर संजय जी जुड़े हुए हैं और संजय जी ने साफ तौर पर बहुत व्यथा का एकदम गायन कर दिया और बोला कि इन्होंने अपनी पार्टी तोड़ ली, इन्होंने तोड़ ली, तोड़ तोड़ के सब बन गए, जिनसे टूटा वो बिखर गए, वो बिखर गए। संजय जी ये सवाल आपसे पूछना था पर पूछा नहीं है सर, दिनेश जी से पूछ रही हूँ, जवाब वो देंगे। एक बार सुन लीजिए सर, समय भी कम बचा हुआ है। दिनेश जी, जिनसे टूटे वो बिखर गए, मुद्दा ये कि जब पता है कि जब जड़ कटने लगती है या जग जो जड़ होती है उसमें सिरा डाल दिया जाए तो चींटियां खोखला कर देती हैं, ये जानते हुए भी दल टूटने क्यों दिया जाता है? और शायद यही सबसे बड़ी कमजोरी है। बेहतरीन आपने प्रश्न किया। देखिए, शिवसेना जो है, जैसे कि जब अनडिवाइडेड शिवसेना थी उसकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी और बाला साहब ठाकरे का हम लोग सभी सम्मान करते हैं, जितने जो हम लोग होते हैं यहाँ बैठे हैं तो सबके सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनकी विचारधारा बहुत पवित्र विचारधारा है, सबको साथ में लेके चलते थे, इससे कोई मतलब दोहराए नहीं ऐसे। तो देखिए पूजा जी, सिंपल सरल सी अगर भाषा में अगर बोला जाए तो उनकी विचारधारा में साफ स्पष्ट यह चीज थी कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस के साथ जैसे ही गठबंधन किया तो विचारधारा जो थी उसमें कहीं ना कहीं जैसे एक तरह से जो मतलब की विष डालने वाला काम हुआ, उससे चीजें जो है बहुत ज्यादा आहत हुए, वहां के कार्यकर्ता चुने हुए प्रतिनिधि जो थे वो आहत हुए और वो आहत होने की वजह से मान के चले कि ज्यादा जो लोग थे वो मैं आपको 10 सेकंड जवाब देता हूं इसका बात का बाद में। नहीं नहीं सुनिए, नहीं नहीं बात सुनिए, सुन लीजिए पहले पूरी बात, आपकी बात पूरी सुन, आप 10 सेकंड मुझे देंगे? पूरी बात सुनूंगा, नहीं 10 सेकंड मुझे दीजिए आप। बाद में जब उनको लगा कि विचारधारा जो है वो अगर बिल्कुल, अरे 10 सेकंड हम बता नहीं पाएंगे, 10 सेकंड दीजिए लोकतंत्र में सबके लिए अपने, अरे 10 सेकंड दीजिए पूजा जी, मैं जवाब उसमें कहने की बात नहीं, कुछ सुन लीजिए ना, बाला साहब ने कहा था मैं कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, बाला साहब ने कहा था मैं कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, और इंदिरा गांधी के साथ गठबंधन नहीं किया, मुझे आपने दिया है। नहीं, 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 नहीं। अरे मुकेश जी आप ही को कह रहे हो, आंकड़ा आपका बहुत अच्छा आया, इस समय कब मिला कोई बात नहीं, दिखा रहा हूं आपको, रुकिए दिखा रहा हूं कब कब उन्होंने उनके साथ चुनाव लड़ा था, कैसी बात आप कर रहे हैं भाई, उन्होंने चुनाव, ठीक है चंदन जी के पास मैं जाऊंगी। चंदन जी देखिए, चूंकि समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है, उससे पहले मैं जल्दी से दो गेस्ट का वर्डिक्ट नहीं हो पाया। चंदन जी, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन करने झगड़ा है, लड़ाई है, कला है, कलेश है, और कला कलेश के बावजूद भी उन पॉइंट्स पर विचार करने को अभी भी कुछ दल तैयार नहीं सर। स्वयं बोलते बीच में निकल, आप पीछे बोले जा रहे हैं संजय जी। नहीं नहीं 1977 में, 1977 में और 1980 में इंदिरा गांधी, ऑडियो को डाउन कीजिएगा प्लीज। चंदन जी बोले, चुनाव प्रचार भी किया था। अब देखिए जिस प्रकार से अभी ये बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जनता जो गई है महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ, उसका मुख्य कारण है वहाँ का चुनावी मुद्दा। जैसे कि देखिए शरद पवार गुट का और जो भी महा विकास आधारित जो दल था उसका जो गठबंधन था, उसका सबसे बड़ा खमियाजा ये था कि उसमें भ्रष्ट जो राजनेता थे और उनकी राजनीतिक चुप्पी,
ये बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाई है, क्योंकि ये लोग उस तरीके से सिर्फ देखिए धार्मिक मुद्दों पे कटेंगे बटेंगे, इन सारे मुद्दों को घेरने में सफल रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने जनता के हित में और जनता की आजीविका के हित में कोई बातें इन्होंने नहीं की, और इनकी इस तरीके से चुप्पी रही कि क्योंकि इनकी भ्रष्ट इनका प्रवृत्ति था, इन्होंने उस तरीके से काम किए थे ईडी और सीबीआई का डर, जिसके कारण ये खुलकर उस तरीके से चुनावी मैदान में नहीं है। दूसरी चीज है कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे विदर्भ वगैरह की बात करें, जहां कृषि प्रधान जो क्षेत्र थे महाराष्ट्र में, वहां पे जैसे बीजेपी के जो लोक लुभावने नीतियां थी, जैसे कि किसानों को फ्री में सिंचाई हेतु बिजली देना, इस तरीके के जो चुनावी मुद्दे थे बीजेपी को फायदा पहुंचाई है, और जिसके कारण बीजेपी के साथ वहां की जनता गई हुई है। ठीक है मुकलेश जी आपके पास आ गई। सर आप कह रहे हैं समय बहुत कम दिया है, लेकिन आंकड़े बहुत अच्छे आए सर आपके। धन्यवाद आपका। आंकड़े जनता जो है आपके साथ है, और हम महाराष्ट्र को थोड़ा सा सीएम तो जो चाहेंगे अरे अमित शाह माम लोग बैठ के तय करेंगे। मेरा सीएम मैं कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपना पसंद का सीएम जो है करता हूँ। मैं ये कह रहा था तो मेरा ऐसा कोई नहीं है कि सीएम हमारा अधिकतम सरकार में मिलकर काम करेंगे, किस तरह विकास किया जा रहा था, और ये सरकार गरीबों की योजना माननी भाव योजना और जोर शोर लाने वाले हैं के पास कोई तो आज भारत की जनता ने विरोधी जो विपक्ष का नेता वो चुनने के लिए भी आंकड़ा नहीं छोड़ा, वो आंकड़ा इनके पास है ही नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे दो दिन पहले सीएम बनाने की बात के, और कल हयात में मीटिंग कर रहे थे, सपना उनका चूर हो गया। हम मिलजुल के काम करेंगे, हमारा महायुति जोर शोर में भारत के विकास करेगा, देश देखेगा, और हमारा अजीत दादा पवार जो है और भी नाराजगी होगी तुम्हें बार बार समझाने के बजाय इस बार मैंने खुद को समझा लिया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास अहम बनाने के लिए। महाराष्ट्र और झारखंड, उत्तर प्रदेश और तमाम उपचुनावों के ये जो नतीजे हैं बहुत कुछ कहते हैं। सत्ता है साहब, और सियासत का समीकरण जब घोड़े की ढाई चाल यानी कि जनता जनार्दन की उंगली दबती है ना ईवीएम पर, तो सारे खेल अनाड़ी और खिलाड़ी सब धराशायी हो जाते हैं, और वो जो कभी नहीं सोचा वो होता है, क्योंकि ये जनता का मन है, और जनता के मन के ऊट का करवट क्या होगी ये आखिरी में पता चलता है, यानी कि नतीजे के दिन, आज के दिन। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।